भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, आपकी जिंद के सामने इनको मारना पड़ा, इनका पुत्र अपना स्वागत आपके पुत्र के सामने जाकर पहुंचा कर रहा है। मेरी माता बनना चला आपसे एक आग्रह क्योंकि हाँ आज 100% और आबादी जो हमारे पुत्र पुत्र हैं उनकी बात करने आए, सवाल होना चाहिए। जैसे कि सभी 45 गाँव को 64% मुआवजे के साथ साथ 10% दिया जाए, उसके अलावा जो उन्होंने हमारे मकान एक्वायर कर लिए थे उनको किसान के नाम पर जमीन वापस कर लिया, और हमारे यहाँ पे शिक्षा चिकित्सा और जो यहाँ औद्योगिक इकाई है उनमें किसान और मजदूरों के बच्चों भागीदार हैं। इन मुद्दों को लेकर समझौते हो चुके हैं, बोर्ड में पास हो चुके हैं, इनको कागज दे दिए, बोर्ड के एजेंडे दे दिए। 6 महीने से हम 6 बार वार्ता कर चुके हैं प्राधिकरण के मौजूदा अधिकारियों से, 4 अधिकारी बदल गए, आज तक किसी भी समस्या का प्राधिकरण के अधिकारियों ने समाधान नहीं किया। अभी हमारे सीओ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने 2353 किसानों को जो 10% लगने थे 6% लगा के 4% का अधिकार खत्म कर दिया। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे कि हमें 10% का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अधिकार था, आपको 6% देने का। और दूसरा, सबके मकानों में वो प्लॉट लगा, हम ये कह रहे हैं कि किसानों को 10% नाप दे, जब ये बिल्डर से 5% पैसा लेके सारी की सारी जमीन उसको नाप दे रहे हैं, सारी की सारी जमीन लेके उसको 10% क्यों नहीं नापते। हम कहते हैं कि होते जमीन नहीं, हम इनसे कह रहे हैं कि आपको अमरपालिक पास देने के लिए जमीन है, सुपर टैक के लिए देने की जमीन है, यानी बिल्डरों को देने के लिए जमीन है, जो स्कूल का धंधा कर रहे हैं उनके लिए देने के लिए जमीन है, जो अस्पताल की दुकान चला रहे हैं उनको देने के लिए जमीन है, लेकिन किसान को उसको बसने के लिए जमीन है। हम कहते हैं जमीन नहीं है तो आप ऐसा करो उसके बाजार दर की कीमत दे दो, तो कहते पैसा नहीं है। आप जिस बिल्डिंग खड़े हो ये 500-700 करोड़ रुपये में बने, यानी अपने